शाबाश आशिर, इस दुआ का तर्जुमा ये है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत यानी नींद के बाद जिंदा किया और कयामत के दिन हमने उसके ही पास जाना है। वॉशरूम में जाने से पहले की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खुब्सी वल खबाइस। वॉशरूम से बाहर आने की दुआ ये है, गुफराना का। दोस्तों, हम खाना खाते हुए आपके साथ तीन दुआएं शेयर करेंगे। पहली खाने से पहले की दुआ, दूसरी खाने के दरमियान की दुआ और तीसरी खाना खाने के बाद की दुआ। खाना खाने से पहले की दुआ ये है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, जिसका तर्जुमा है शुरू अल्लाह के नाम से और उस बरकत से। अगर खाना शुरू करने से पहले की दुआ पढ़ना भूल जाए तो दरमियान में ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह वलुआ है, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह का नाम लेती हूँ खाने से अव्वल भी और आखिर भी। खाना खाने के बाद की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतअमना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, जिसका तर्जुमा ये है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमानों में रखा। दोस्तों, आप लोगों को पता है दूध पीने के बाद की भी दुआ होती है जो हमें लाजमी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हू, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह हमें इसमें बरकत दे और हमें इसमें और ज्यादा दे। दोस्तों, हमें स्टडी करते हुए ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह या रहमक अल्लाह, जिस बंदे को ठीक है वो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, इसका माननी है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और जब कोई उस दूसरे बंदे की चीख सुने तो वो फौरन से बोले या रहमक अल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहम करे। इस एक्टिव करने चले आशा, मेरे घर से निकलने की दुआ तो पढ़ लो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह खैर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। सफर शुरू करने से पहले हमें सफर की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यार हमें इसका तर्जुमा तो बताइए। अल्लाह ताला पाक है जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में दिया और इसकी कुदरत के बगैर हम इसको कब्जे में करने वाले नहीं थे और बिला शिवा हमें इसके पास जाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, हमें घर में दाखिल होते वक्त जोर से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, उसके बाद दुरूद शरीफ और सूरह इखलास पढ़नी चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। दी मुझे नींद आ रही, मैं सो जाऊं। हाँ जी ठीक है, सोचो, लेकिन सोने से पहले की दुआ तो पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवालिया, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरता हूँ और जीता हूँ। हमें सोने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। तो आज की अच्छी बात के सेगमेंट में हम आपके साथ दो खुसूसी दुआएं शेयर करेंगे, पहली वालदैन के लिए खुसूसी दुआ, दूसरी दुनिया आखिर पे कामयाबी की दुआ। वालदैन के लिए खुसूसी दुआ ये है, रब्बिर हमुमा कमा तबयानी सगीरा, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे रब मेरे वालदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश में किया। दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दुआ ये है, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ हमारे रब हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा और जहन्नुम की आग से बचा। तो दोस्तों, हमें ये दोनों दुआएं अपनी हर इबादत में लाजमी शामिल करनी चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं इस वीडियो को 1.85 करूंगा। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।